नमस्कार। आपको जितनी भी चीजें इसके अंदर कराई जा रही हैं लेक्चर्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ की फॉर्म में। इसके अलावा चैप्टर वाइज भी आपको हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। यदि आपके पास मैथमेटिक्स बुक नहीं है तो बुक के लिए भी लिंक दे दिया गया है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। माइनस माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which the element aij lie। कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी aij element का minor निकालना चाह रहे हैं, उस row को और column को delete करने के बाद जो भी हमारे पास determinant बचेगा वो उस element का minor होगा। जैसे example से समझते हैं, मैं एक ए डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ। क्लियरली डिटर्मिनेंट हमारे पास पूरी एक्सरसाइज में डिटर्मिनेंट सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स का ही डिफाइन होते हैं, तो ये आपके पास डिफाइन होंगे। कम से कम 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ली, इसका डिटर्मिनेंट के लिए हम स्टैंडिंग लाइन्स यूज करते हैं। तो इसके लिए जो मेरे पास माइनर होगा, माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट a11, इसे हम डिनोट करते हैं m11 से। m माइनर 11 इस एलिमेंट की लोकेशन है। तो ये इक्वल टू होगा मेरे पास जहां पे ये लाई कर रहा है उस वाली आप रो को छोड़ दीजिए और उसके कॉलम को छोड़ दीजिए। तो मेरे पास जो ये a22 वैल्यू बची है इसका डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट के लिए यूज हो रहा है, मॉडुलस नहीं है। तो ये एलिमेंट क्या आ जाएगा आपके पास a22, सेम एलिमेंट रह जाएगा ऐसे कैसे। इसी तरह अगर बात की जाए माइनर ऑफ a12, इसे हम डिनोट करेंगे m12 के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट रो को डिलीट कर देंगे और सेकंड कॉलम को, यानी जहां पे ये एलिमेंट है उस रो को और उस कॉलम को छोड़ दीजिए। तो आपके पास ये क्या आएगा, इसका माइनर a21। इसी तरह देखते हैं माइनर ऑफ a21 M21, जहां पे M21 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये रहा, इस वाली आप रो को छोड़ दीजिए और इस कॉलम को छोड़ दीजिए। तो आपके पास वैल्यू आई है A12। इसी तरह माइनर ऑफ A22 इज इक्वल टू डिनोट किया जाएगा M22 से, जहां पे आपके पास A22 एलिमेंट है उस रो को और उस कॉलम को आप छोड़ दीजिए। तो ये आपके पास वैल्यू बनी है A11। इसके बाद एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स का, कि उसके अंदर आप कैसे माइनर्स को इवेल्युएट कर सकते हैं। मानते हैं डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट है आपके पास 3x3 ऑर्डर की स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लिख रहा हूं। क्लियरली हमने कल भी बात की थी कि आप इस डिटर्मिनेंट को सिर्फ डेल्टा से भी दिखा सकते हो। ये ध्यान रखना है जब भी डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो स्टैंडिंग लाइन होंगी, ये स्टैंडिंग लाइन डिनोट कर रही है डिटर्मिनेंट को। तो यहां से माइनर लिखते हैं a11 का, A11 के माइनर को डिनोट किया जाएगा M11 से। तो क्या करेंगे, ये एलिमेंट जिस रो में और जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसे छोड़ देंगे, बाकी जो आपके पास एलिमेंट बचे हैं उनका आपके पास डिटर्मिनेंट होगा A22, A23, A32, A33। और 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना आता है, पहले इन दो की मल्टीप्लाई करेंगे A22, A33 माइनस इन टू की मल्टीप्लाई A32, A23। इसी तरह से निकालते हैं M12 इज इक्वल टू होगा, ये एलिमेंट है आपके पास, हम फर्स्ट रो को छोड़ेंगे और सेकंड कॉलम को। तो आपके पास एलिमेंट बचे हैं A21, A23, A31, A33। यानी जहां जिस भी एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है उस वाले कॉलम को और उस रो को छोड़ देंगे, बाकी आपके पास ये 4 एलिमेंट्स बचे इनका डिटर्मिनेंट लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, पहले A21, A33 माइनस A31, A23 माइनस में इन दो की मल्टीप्लाई होगी आपके पास। इसी तरह से माइनर निकालते हैं 13 का, 13 आपके पास ये एलिमेंट है तो आपको ये वाला कॉलम और ये रो लीव कर देनी है। तो आपके पास वैल्यूज बचेंगे ये 4, तो ये बना A21, A22, A31,
ए थ्री टू, पहले इन दो की मल्टीप्लाई करेंगे, ए टू वन ए थ्री टू माइनस ए थ्री वन ए टू टू। सिमिलरली एम टू वन इस एलिमेंट का निकालते हैं तो आपको ये वाली रो लीव कर देनी है और ये आपके पास फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास ये फोर एलिमेंट बचेंगे। ये वैल्यूज होंगी ए वन टू ए वन थ्री ए थ्री टू ए थ्री थ्री इज इक्वल टू होगा, पहले इन टू की मल्टीप्लाई करेंगे, ए वन टू ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री टू और ए वन थ्री। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे नाइन एलिमेंट हैं, तो नाइन के नाइन आप माइनर्स निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हम ए टू वन का माइनर निकालते हैं, तो माइनर होगा एम टू वन। तो हमें क्या करना है, एक तो इस वाली रो को छोड़ देना है, इस वाले कॉलम को छोड़ देना है। तो इस वाली रो और कॉलम को छोड़ने के बाद आपके पास एलिमेंट्स क्या बचेंगे, ये वाले एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये एलिमेंट बन रहे हैं आपके पास ए वन टू ए वन थ्री ए थ्री टू ए थ्री थ्री। इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट आपको इवेल्युएट करना आता है, पहले इन टू की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। ए टू टू का माइनर इसे डिनोट करेंगे हम एम टू टू से। तो आपको करना क्या है कि सेकंड रो को, ये आपके पास सेकंड रो है, और सेकेंडरी कॉलम को, इन दोनों को यहां से क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। इसके बाद जो भी वैल्यू बची है उसका डिटरमिनेंट, वैल्यूज बच रही है ए वन वन ए वन थ्री ए थ्री वन ए थ्री थ्री, इसका डिटरमिनेंट इवेल्युएट करेंगे। ये वाले एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे पहले ए वन वन ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री वन ए वन थ्री। नेक्स्ट अब फिर से इवेल्युएट करते हैं एम टू थ्री, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बची है ए वन वन ए वन टू ए थ्री वन ए थ्री टू, इनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। पहले इन दो की मल्टीप्लाई करेंगे ए वन वन ए थ्री टू माइनस ऑफ इन टू की मल्टीप्लाई ए थ्री वन ए वन टू। माइनर निकालते हैं अब इस एलिमेंट का, ये होगा आपके पास एम थ्री वन। इसके लिए क्या करेंगे, थर्ड रो को और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करने के बाद आपके पास जो एलिमेंट्स बचे हैं उनका डिटरमिनेंट इवेल्युएट कर लेंगे। इक्वल टू होगा, पहले इन टू की मल्टीप्लाई ए वन टू ए टू थ्री माइनस ए टू टू एंड ए वन थ्री। नेक्स्ट एलिमेंट का करते हैं इवेल्युएट, एम थ्री टू इज इक्वल टू होगा कि आपको क्या करना है, ये एलिमेंट यहाँ पे है ना, इस वाली आपको रो को छोड़ देना है, इस कॉलम को छोड़ देना है। इस रो को और इस कॉलम को छोड़ने के बाद आपके पास जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उनका आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट इवेल्युएट कर लेना है। तो ये एलिमेंट होंगे ए वन वन ए वन थ्री ए टू वन ए टू थ्री। इस डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी ए वन वन ए टू थ्री माइनस इन टू का प्रोडक्ट ए टू वन ए वन थ्री। अब इस लास्ट एलिमेंट का और माइनर इवेल्युएट कर लेते हैं, ये होगा एम थ्री थ्री इज इक्वल टू होगा, आपको थर्ड रो छोड़ देनी है और थर्ड कॉलम, तो आपके पास जो ये वैल्यू बची है इनका डिटरमिनेंट ले लेना है। तो ये वैल्यू होगी डिटरमिनेंट ऑफ ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, डिटरमिनेंट टू बाई टू का, पहले इन टू एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई माइनस इन टू एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। एक मैंने टू बाई टू ऑर्डर की डिटरमिनेंट लिया है, इसके अगर हम कोफैक्टर निकालना चाह रहे हैं तो कोफैक्टर ऑफ ए वन वन फर्स्ट
फर्स्ट एलिमेंट के, इसे डिनोट किया जाएगा कैपिटल A11 से, और ये इक्वल टू होगा -1 raised to power i + j। यहाँ पे i की वैल्यू है 1 और j की वैल्यू भी है 1, और इनटू में आपके पास आ जाएगा इसका माइनर M11। माइनर क्या होगा इस एलिमेंट का, इवेल्युएट करते हैं, यानी -1 की पावर कितना बना आपके पास 2, तो -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा। और M11 कैसे निकालते थे कि जहां पे जिस भी एलिमेंट का निकालना है वही आपको कॉलम और वही रो आपको क्या करनी है, डिलीट कर देनी है, और जो एलिमेंट बचे उसका डिटर्मिनेंट लेना है। यहाँ पे सिंगल एलिमेंट बच रहा है A22, और A22 का डिटर्मिनेंट A22 ही होगा, तो इसका मेरे पास बना A22। इसी तरह अगर को फैक्टर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट का निकालते हैं A12, तो इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल A12 से, वैल्यू होगी -1 raised to power 1+2, और माइनर ऑफ 1 2 का माइनर ले लेते हैं, ये आपके पास एलिमेंट है, तो इसका माइनर क्या बना A21। -1 raised to power कितनी बन रही है 3, यानी -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और ये क्या बना है इसका माइनर 2 1। इसी तरह से को फैक्टर निकालते हैं इसका A21 का, इसे डिनोट करेंगे कैपिटल A21 से, -1 raised to power 2+1, इनको आपको दोनों को प्लस कर देना है -1 raised to power में, और माइनर ऑफ 2 1, इस 2 1 का माइनर निकाल लेते हैं, तो आपको ये लीव करना है और आपको ये वाली लीव करनी है, तो आपके पास क्या वैल्यू बची A12, तो ये होगा -1 raised to power 3 -A12। इस तरह लास्ट एलिमेंट का भी को फैक्टर इवेल्युएट कर लेते हैं, उसे कैपिटल A22 से डिनोट करेंगे, -1 raised to power 2+2 M22, ये हो जाएगा आपके पास प्लस वैल्यू, M22 निकाल देते हैं, ये आपको लीव कर देनी है, तो यहां से क्या बचा आपके पास A11, तो ये वैल्यू आई है आपके पास A11। अब बात की जाए कि क्वेश्चंस में क्या हम बार बार ये -1 raised to power बार बार काउंट करते रहेंगे, जी नहीं, यहाँ से आप देखिए इजीली देख सकते हो कि किसके साथ प्लस का साइन आना है और किसके साथ माइनस का साइन आना है, इनको ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद क्या बन रहा है, ये एक इवन नंबर बन रहा है तो आपके पास प्लस आएगा, ये भी इवन बन रहा है तो प्लस आएगा, इनको ऐड कर रहे हो कितना बना 3, ओड बन रहा है तो माइनस आएगा, इनको ऐड करेंगे आई और जे को कितना बन रहा है 3, तो आपके पास ओड बन रहा है माइनस आएगा। यानी क्वेश्चंस में हम ये देखेंगे कि आपके पास जो ये हमने यहाँ पे को फैक्टर लिखा है 1 1, तो इनको ऐड कर लेंगे कितना बना 2, 2 बना तो प्लस आएगा, 3 बना तो माइनस, 3 बना तो फिर माइनस, 4 बना तो प्लस, यानी हम देखेंगे कि अगर मेरे पास इवन नंबर बन रहा है दोनों को ऐड करने के बाद तो हम प्लस का निशान लेंगे, अगर आपके पास ओड नंबर बन रहा है तो हम क्या करेंगे उसके सामने माइनस का निशान लगा देंगे, और माइनस आप पहले ही निकालना सीख चुके हो। अब हम बात करते हैं 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स की, एक 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिया है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसके साथ क्या आना चाहिए, क्या बन रहा है इवन, 1+1 2 बना है तो प्लस आएगा, यहाँ पे ये क्या बन रहा है 3, ओड बना तो -4, इसके लिए प्लस, इसके लिए आपके पास क्या आएगा माइनस, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, आप देख सकते हो अगर प्लस से स्टार्ट किया जाए, देखिए जैसे मैं इसको देखता हूँ कितना बना ये 4, प्लस आना चाहिए, ये कितना बना 5, माइनस आना चाहिए, ये कितना बना, इन दोनों को ऐड करें तो 6, प्लस आना चाहिए। आप अल्टरनेटिवली रिमेम्बर भी रख सकते हो कि अगर मैं फर्स्ट वाले रो से स्टार्ट करता हूँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, या आप इस सीक्वेंस में भी इसको रिमेम्बर रख सकते हो, तो आपको ये चीजें रिमेम्बर रखनी है कि किसके साथ प्लस का निशान आएगा, यहाँ से पता चलेगा कि जो इसके पास हमारे पास सबस्क्रिप्ट दे रखे हैं 1 और 1 दोनों प्लस करते हैं, अगर इवन नंबर बन रहा है तो प्लस का निशान आएगा, ओड नंबर बन रहा है तो माइनस का निशान आएगा। अब इसके क्या करते हैं हम को फैक्टर्स इवेल्युएट कर लेते हैं, को फैक्टर्स इवेल्युएट करते हैं इसके, को फैक्टर्स सबसे पहले A11 का निकालते हैं को फैक्टर, इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ए
वन वन से, और ये इक्वल टू क्या होगा कि माइनस वन रेज टू पावर वन प्लस वन। इस एलिमेंट का आपके पास क्या आएगा, माइनर की रो डिलीट की और इसका कॉलम डिलीट किया, तो आपके पास जो एलिमेंट बचे हैं इन एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट, तो इसे लिख देते हैं। ये एलिमेंट हमारे पास बच रहे हैं ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, इज इक्वल टू क्या होगा, ये प्लस आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपके पास, इनकी मल्टीप्लाई आपको करनी आती है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरे पास एक्चुअली किसके इक्वल बन रहा है, माइनर ऑफ वन वन के। इसी तरह आप सिमिलरली अदर एलिमेंट्स को भी इवेल्युएट करोगे, सभी के सभी नाइन एलिमेंट्स आपको इवेल्युएट करने हैं, या इसका अगर मैं चाहूं तो डिटरमिनेंट भी इवेल्युएट करके लिखा जा सकता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ए टू टू, ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री टू, ए टू थ्री। अब हम ए वन टू का कोफैक्टर निकालेंगे इस एलिमेंट का, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये वाली रो और जिसमें आपके पास एलिमेंट लाई कर रहे हैं उसी वाले कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो यहां से आपके पास पहले देखेंगे ए वन टू इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू पावर वन प्लस टू, कितना बनाइए आपके पास थ्री, तो इसके लिए माइनस साइन आएगा। और जो ये आपके पास वैल्यूज बची हैं इनका क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट इवेल्युएट कर लेंगे। इस एलिमेंट की पहले इससे मल्टीप्लाई की, माइनस में इस एलिमेंट की इससे मल्टीप्लाई की। इसके बाद सिमिलरली हम ए वन थ्री निकालेंगे, वन थ्री आपके पास ये रहा एलिमेंट, तो इसी रो को और इस कॉलम को यहां से डिलीट कर देंगे, तो आपके पास ये वैल्यूज बची, इनका क्या करेंगे डिटरमिनेंट ले लेंगे, और साथ में क्या करना हमें माइनस वन रेज टू पावर वन प्लस थ्री, कितना हो गया फोर, तो प्लस का साइन आया। इस एलिमेंट की इससे मल्टीप्लाई की, माइनस इस एलिमेंट की इससे मल्टीप्लाई की। यहां से भी आप देख सकते हो कि हमारे पास साइंस क्या आ रहे थे, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस प्लस। नेक्स्ट निकालते हैं ए टू वन, टू वन आपके पास सेकंड रो, सेकंड रो को हटा देते हैं और फर्स्ट कॉलम को, तो आपको क्या करना है, माइनस वन रेज टू पावर टू प्लस वन, कितना हुआ थ्री, और इसके साथ वैल्यूज क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यूज ए वन टू, वन थ्री, ए थ्री टू, थ्री थ्री, तो माइनस वन रेज टू पावर थ्री कितना हुआ माइनस, और इसका डिटरमिनेंट हमें इवेल्युएट करना आता ही है। सिमिलरली ए टू टू क्या होगा, सेकंड रो, रो तो हमने पहले ही डिलीट कर रखी है, और सेकंड कॉलम, तो आपके पास जो वैल्यूज बनेगी माइनस वन रेज टू पावर टू प्लस टू, इन फोर एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट। इसी तरह सिमिलरली ए टू थ्री, टू थ्री की लोकेशन आपके पास ये होती है, तो आपको सेकेंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर देना है, आपके पास ये फोर एलिमेंट्स बने हैं, इन फोर एलिमेंट्स का क्या करेंगे हम डिटरमिनेंट इवेल्युएट कर लेंगे। यहां से भी आप देख सकते हो कि आपके पास सेकंड रो में क्या निशान आ रहे थे, माइनस प्लस माइनस। थर्ड रो के और निकाल लेते हैं कोफैक्टर्स, तो थर्ड रो के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले थर्ड रो को डिलीट कर देते हैं, फर्स्ट एलिमेंट का निकालना है, तो आपके पास फर्स्ट कॉलम को भी डिलीट करेंगे, आपके पास ए थ्री वन बनेगा माइनस वन रेज टू पावर थ्री प्लस वन, और आपके पास ये फोर एलिमेंट्स बने हैं, इन फोर एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट, पहले इस एलिमेंट की इससे मल्टीप्लाई, माइनस में इस एलिमेंट की इससे मल्टीप्लाई। ए थ्री टू क्या होगा, आपके पास थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो आपके पास ये एलिमेंट बचेंगे फोर, और इन फोर्स का आपको डिटरमिनेंट इवेल्युएट करना आता है, माइनस वन रेज टू पावर थ्री प्लस टू, यह हो गया आपके पास माइनस का साइन। और इसी तरह ए थ्री थ्री, थर्ड रो और थर्ड कॉलम डिलीट करने के बाद आपके पास ये फोर एलिमेंट्स बचेंगे, इन फोर एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट इवेल्युएट करना है आपको, माइनस वन रेज टू पावर कितना बना सिक्स, और यहां से भी आप देख सकते हो ये क्या आने चाहिए मेरे पास, इनके निशान प्लस माइनस प्लस, तो आप देख पा रहे होगी मैंने रो वाइज निकाले हैं ये सभी के सभी कोफैक्टर्स, और उनके अंदर सिंबल्स भी क्या बन रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटिवली बनते आ रहे हैं सभी के सभी। आप एक बार इनको निकाल के और फिर शुरू से चेक कर सकते हो क्या आपके पास सभी के सामने अल्टरनेटिवली सिंबल्स लगाए हैं हमने, ये इनके होंगे हमारे पास कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
थ्री, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्डर थ्री, तो इसका मतलब है वो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स 3x3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात करेंगे इसमें हम। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, 1x1 और 2x2 का हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। आज 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना देखते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। आपके पास 3x3 ऑर्डर की स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, इसके डिटरमिनेंट को डेल्टा से डिनोट किया गया। ये आपके पास होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो या फिर कॉलम विद द कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। तो मेरे पास जो डेल्टा की वैल्यू होगी, डेल्टा इज इक्वल टू होगा, ये आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो के। अगर मैं फर्स्ट रो से निकालना चाह रहा हूँ इसका डिटरमिनेंट, तो मेरे पास वो होगा A11, कोफैक्टर किससे लिखा था हमने, कैपिटल A11 से, प्लस A12, कैपिटल A12, प्लस A13, कैपिटल A13, ये इसका कोफैक्टर है, ये आपके पास इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको सेकंड रो से भी निकाला जा सकता है। सेकंड रो से कैसे निकालोगे, A21, A22, कैपिटल A22, A23, कैपिटल A23। इसी तरह अगर हम इसको एक्सपेंड करें विद द हेल्प ऑफ थर्ड रो, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये डिटरमिनेंट इसका A32, कैपिटल A32, A33, कैपिटल A33। इसी तरह अगर मैं चाहूं तो इसे फर्स्ट कॉलम से भी निकाला जा सकता है, कॉलम वाइज लिखेंगे इसे, A11 इसके साथ क्या आएगा, इसी A11 का कोफैक्टर, प्लस A21, प्लस A31, ये आपके पास फर्स्ट कॉलम से हो गया। इसी तरह आप इस डिटरमिनेंट को सेकंड कॉलम से भी इवेल्युएट कर सकते हो। सेकंड कॉलम से क्या बनेगा, A12, कैपिटल A12, A22, कैपिटल A22, A32, कैपिटल A32। इसी तरह हम लास्ट वाले कॉलम से भी निकाल सकते हैं इसको, लास्ट वाले कॉलम से आएगा A13, A23, A23, A33, A33। तो आप इनमें से कोई भी एक, चाहे फर्स्ट रो से निकाल रहे हो या फिर आप सेकंड रो से, थर्ड रो से, फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से या थर्ड कॉलम से, आप देखोगे कि आप किसी से भी निकाल रहे हो, आपके पास जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी सभी से आपके पास सेम आएगी। अगर हमें एक्सपेंड करना हो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो, तो आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा, विद द हेल्प ऑफ सेकंड रो तो ये फॉर्मूला बनेगा। इस तरह सिमिलरली इन सभी की वैल्यूज आप देखोगे कि सभी की वैल्यूज भी आपके पास सेम आएगी, चाहे आप किसी भी रो से इवेल्युएट कीजिए या किसी भी कॉलम से इवेल्युएट कीजिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। अभी हम इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपके पास ए दे रखी है ये मैट्रिक्स, आपको ये प्रूव करना है। आपको एक प्रॉपर्टी मैंने पहले ही लिखवाई थी कि यदि आपके पास के ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू होता है के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दे रखा है आपके पास 3, तो ये हो जाएगा इसके इक्वल। के की वैल्यू क्या आई है आपके पास 3, तो 3 raised to power 3, तो ये कितना बना 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये आपके पास ट्रू रहेगा। अब इसे प्रूव करके दिखा देते हैं कि ये वाली वैल्यू आपके पास दोनों इक्वल होंगी। पहले यहां से निकालते हैं 3a, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को, मैट्रिक्स लिख रहा हूं अभी मैंने, यहाँ पे डिटरमिनेंट का निशान नहीं लगाया, तो ये मैट्रिक्स है। ए से क्या होगा, पूरी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वैल्यू बनेगी 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इवेल्युएट कर लेते हैं, और डिटरमिनेंट के लिए मुझे क्या चाहिए होते हैं, इनके साइंस भी चाहिए होते हैं। साइन क्या आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी रो से निकालिए या फिर किसी भी कॉलम से निकालिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो किस कॉलम में या किस रो में है, तो मैं यहां से देख पा रहा हूं कि मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं आपके पास
फर्स्ट कॉलम में, तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं बाय फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास डिटरमिनेंट होगा 3a। अब डिटरमिनेंट का निशान लगा दिया मैंने, तो क्या लेंगे, पहले ये एलिमेंट लेंगे 3, इसके साथ क्या होता है निशान, प्लस। जहां पे भी ये लाई कर रहे हैं उस आपको रो को और कॉलम को लीव कर देना है, जो एलिमेंट्स बचे हैं उनका डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट आएगा इसके साथ 3, 6, 0, 12। उसके बाद इसके साथ क्या निशान होता है, -0। आप क्या करोगे, इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को लीव कर देंगे। इस वाले रो और कॉलम को लीव करने के बाद आपके पास ये एलिमेंट्स बनेंगे, तो ये क्या होगा आपके पास इसके साथ डिटरमिनेंट 0, 3, 0, 12। उसके बाद प्लस आएगा इस वाले के साथ 0। क्या करेंगे यहाँ पे, इन दोनों को लीव करेंगे, तो आपके पास क्या डिटरमिनेंट बनेगा इसके साथ 0, 3, 3, 6। क्लियरली 0 के साथ तो कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बनेगा ना, तो इसलिए मैंने क्या किया कि जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो जिस रो में या फिर कॉलम में उसी से एक्सपेंड करेंगे और उनके साथ ये साइंस लगाते चले जाएंगे। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि ये 3 और 2x2 ऑर्डर का मेरे पास डिटरमिनेंट आता है, इन दो की मल्टीप्लाई माइनस में इन 2 की मल्टीप्लाई, ये होगा 36 माइनस 0। ये वैल्यू तो आपके पास 0 ही बनेंगी, चाहे अंदर कोई भी वैल्यू बन रही है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बना 108। इस क्वेश्चन को देखते हैं एक्सपेंड करके बाय थर्ड रो, क्या मेरे पास सेम ही आता है डिटरमिनेंट, चाहे आप किसी भी रो से कीजिए या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कीजिए, आपके पास आंसर हमेशा सेम ही रहेगा, तो आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले फर्स्ट कॉलम से, अब मैं थर्ड रो से और इसको एक्सपेंड करके दिखाता हूँ आपको कि इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा। 3a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू होगा 0, इसके साथ क्या निशान है, प्लस। 0 के साथ कुछ भी डिटरमिनेंट आ रहा है 0 बनेगा, माइनस 0 के साथ जो आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी इस रो को और इस कॉलम को छोड़कर 0 के साथ है तो 0 ही बनेगा, इसलिए मैं इनकी वैल्यूज नहीं लिख रहा। ये क्या आएगा, प्लस 12। तो 12 की लोकेशन आपके पास ये है, तो इसी रो को और इसी कॉलम को छोड़ने के बाद ये वैल्यू बन रही है, तो इनको लिख देते हैं यहाँ पे, क्या बना मेरे पास 3003। इवेल्युएट कर लेते हैं, ये तो आपके पास 0 ही बन गया। यहां से देखते हैं 12 और ये क्या आएगी इसकी वैल्यू, पहले इन दो की मल्टीप्लाई 9 माइनस 0, तो क्या वैल्यू बन रही है यहाँ से 12 × 9, 12 × 9 जा कितने होंगे 108। तो आपके पास इसका आंसर कितना बना है 108। यहां से कीजिए या यहां से कीजिए, आपको एक ही पार्ट करना है, चाहे आप ये कीजिए या ऊपर वाला कीजिए। अब क्या करते हैं कि मुझे मैट्रिक्स के अंदर राइट हैंड साइड में दिखाना है 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए। पहले क्या करते हैं, ए का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा मेरे पास, ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू होगा, चाहे आप कहीं से भी कीजिए, चलिए फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, तो आपके पास क्या आएगा, पहले 1, इसके साथ निशान आपको पता है क्या होंगे, प्लस माइनस प्लस। तो 1 के साथ क्या करेंगे, इस कॉलम और इसी रो को छोड़ देंगे, तो ये इसके साथ एलिमेंट्स बने हैं 1, 2, 0, 4 1, 2, 0, 4। फिर माइनस 0, 0 के साथ तो कुछ भी आए 0 ही हो जाएगा, फिर इस लास्ट वाले के साथ क्या होगा, प्लस का 1। तो आपको क्या करना है, जहां पे एलिमेंट है वही रो और वही कॉलम लीव कर देना है, तो आपके पास वैल्यूज क्या बनी है 0, 1, 0, 0। इनको इवेल्युएट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आएगी 1, 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हमें इवेल्युएट करना आता ही है, 4 − 0, और ये वाली वैल्यू बन रही है प्लस 1, 0 − 0, तो ये वैल्यू आ गई 4। अब क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में मुझे 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए, 27, ए का डिटरमिनेंट कितना आया 4, तो कितनी वैल्यू बन गई है 108। यहां से आप इसे इक्वेशन 1 डाल सकते हो, इसे 2 बाय इक्वेशन 1 और 2। डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू होगा 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए के, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 में इवेल्युएट करना है डिटरमिनेंट, तो इस वैल्यू को, तो हमें इनके सिंबल्स पता है किसके साथ क्या आना है, तो मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ जीरोज मेरे पास दिखाई दे रही है R2 में, R2 से एक्सपेंड कर देते हैं इसको, तो मेरे पास इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, इसके साथ क्या आएगा -0, डिटरमिनेंट कुछ भी हो अंदर 0 ही बनेगा, इसके साथ क्या आएगा प्लस 0,
और यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास माइनस और ये वाला एलिमेंट माइनस वन। जहां पे ये एलिमेंट है आपको सेम कॉलम और रो को डिलीट कर देना है। तो आपके पास वैल्यूज क्या बचेंगी, ये वाली रो डिलीट करने के बाद और ये वाला कॉलम डिलीट करने के बाद वैल्यू आ रही है 3 - 1 - 3 - 5। तो ये वैल्यूज तो आपके पास जीरो हो जाएंगी। ये माइनस और माइनस क्या बन गया, प्लस का 1। इनको इवेल्युएट करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा -15 माइनस इन दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई -3। तो ये वैल्यू बनी है 15 + 3, वैल्यू आ गई -12। इसी तरह आप इस सेकंड वाले क्वेश्चन को फर्स्ट रो से इवेल्युएट कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है मेरे पास, सेकंड पार्ट में फर्स्ट रो से करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, पहले 3 के साथ क्या होगा, आपको ये वाली रो और ये कॉलम लीव कर देना है। तो एलिमेंट्स क्या लिखूंगा मैं इसके साथ, डिटरमिनेंट ऑफ 1 - 2 - 3 - 1, उसके बाद नेक्स्ट माइनस एलिमेंट क्या है -4, तो उसके बाद हम इन्हें लीव कर देंगे। तो आपके पास एलिमेंट क्या बने हैं, 1 - 2 - 1, उसके बाद ये 5 लेंगे, इसके साथ क्या आना है +5, और आपको ये लीव कर देने हैं। तो एलिमेंट्स बने 1, 1, 2, 3। इनको इवेल्युएट कर लेते हैं। इनको इवेल्युएट करने के लिए मेरे पास आएगा 3 इस एलिमेंट की, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस ये वैल्यू बनी है -6, ये बन गया +4। 1 माइनस इनकी मल्टीप्लाई आई है मेरे पास -4 +5 3 -2। इवेल्युएट कर लेते हैं, ये हुआ 3, 1 + 6 - 4, 1 + 4 - 5, 3 - 2, ये हुआ 3 × 7 - 4 × 5 - 5 × 1, 21 - 25। ऐड कर देते हैं तो कितनी वैल्यू बनी मेरे पास, 46। फिफ्थ क्वेश्चन के अदर टू पार्ट्स आप अपने आप करोगे। क्वेश्चन 6 में हमें इसका डिटरमिनेंट इवेल्युएट करना है। फर्स्ट रो से इसे एक्सपेंड कर देते हैं तो मेरे पास वैल्यू आएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू होगा 1, और इसके साथ इन रोज को लीव करने के बाद डिटरमिनेंट आएगा मेरे पास 1 - 3 - 4 - 9, इसके साथ आएगा -1। तो आपको क्या करना है, ये लीव कर देनी है। तो वैल्यूज बचेंगी 2 - 3 - 5 - 9, उसके बाद प्लस ये एलिमेंट लेंगे -2, और आपके पास वैल्यूज बचेंगी इसके साथ 2, 1, 5 एंड 4। इन्हें इवेल्युएट कर लेते हैं, 1 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना है -9, -12, तो ये हो गया +12। -1 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे -18, -15 तो +15, -2 ये वैल्यू बनी है 8 - 5। इवेल्युएट करते हैं ये कितना बचा है, 3, ये कितनी वैल्यू आ रही है -3, +1 से करेंगे मल्टीप्लाई +3, यहाँ से देखिए वैल्यू कितनी बची है 3, और ये कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास -6। तो एड अप करने के बाद इसका डिटरमिनेंट कितना बन गया हमारे पास, 0। एक्सरसाइज 4.4 में हमें इनके माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने। तो मेरे पास इसके जो माइनर होंगे M11, तो क्या करेंगे इस एलिमेंट जहां पे भी ये लाई कर रहा है वही रो और कॉलम को छोड़ देंगे। तो मेरे पास क्या बना इसका M11 - 3 - M12, ये वाला एलिमेंट होता है, तो इन दो को छोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू बन रही है इसकी, 0। M21 - 21, आपके पास ये एलिमेंट होगा तो इस रो और इस कॉलम को लीव करेंगे तो आपके पास क्या बन रहा है, -4। और आपके पास M22 ये वाला एलिमेंट है तो इसी रो और कॉलम को लीव करेंगे तो क्या बना मेरे पास, 2। अब इसके कोफैक्टर्स की बात की जाए तो कोफैक्टर्स में आपको देखने सिंबल्स क्या आएंगे इनके साथ, इनके साथ सिंबल्स बनेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस।
क्योंकि इसकी लोकेशन क्या होगी, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लिखूं तो मेरे पास एलिमेंट बनते हैं ए वन वन, वन टू, टू वन, टू टू, तो ये क्या बन रहा है, ये प्लस के होंगे दोनों, क्योंकि इनका सम क्या आ रहा है इवन, और ये क्या होंगे ओड आ रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा माइनस। तो आपको इनके अगर कोफैक्टर्स लिखने हैं तो ए वन वन के साथ क्या आएगा, सिर्फ थ्री, ए वन टू के साथ क्या आएगा जीरो, या जीरो के साथ तो माइनस लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, और ए टू वन माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी तो फोर बन जाएगा, ए टू टू आपके पास क्या बनेगा सिर्फ टू ही बनेगा। तो आपको क्या करना है, इनके साथ जब भी आप निकालना चाह रहे हैं कोफैक्टर, तो यहाँ पे इसके साथ प्लस का निशान लगाया, इसके साथ माइनस का, इसके साथ माइनस का, और इसके साथ प्लस का, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। सेकंड पार्ट आप अपने आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर टू में हमें माइनस और कोफैक्टर निकालने हैं, इसका सेकंड पार्ट मैं कर देता हूँ, फर्स्ट आप खुद कर लेना। तो इनकी जो मेरे पास स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होती है वो ये होती है, तो मेरे पास माइनर होगा कि जिस भी एलिमेंट का आप निकालना चाह रहे हो, तो मैंने इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया, तो मेरे पास ये एलिमेंट बने, तो इन्हें हम लिख लेते हैं। तो ये एलिमेंट आपके पास आ रहे हैं फाइव माइनस वन वन टू, तो आपको फर्स्ट रो तो पहले डिलीट रखनी है। जब आप इसका सेकेंड एलिमेंट निकालोगे, इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करते हैं, ये एलिमेंट कितने हुए टेन, और माइनस में ये क्वांटिटी, माइनस में कितना आया माइनस वन, तो ये प्लस हो गया इलेवन आ गई आपके पास वैल्यू। एम वन टू, एम वन टू की लोकेशन आपके पास ये है, तो आपको क्या करना है इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर देना है। तो इसके बाद आपके पास जो एलिमेंट बच रहे हैं वो मैं लिख देता हूँ, तो ये बने थ्री जीरो माइनस वन टू इज इक्वल टू क्या होगा सिक्स माइनस जीरो से किसी की भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई हुई जीरो ही आएगा, तो ये वैल्यू आ गई सिक्स। एम वन थ्री, वन थ्री में क्या करना है आपको, ये वाला एलिमेंट होगा, ये वाली आपको रो और ये वाला आपको कॉलम डिलीट कर देना है। इसके बाद जो एलिमेंट बचे हैं थ्री फाइव जीरो वन, इसको इवेल्युएट कर लेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई थ्री माइनस में इसकी मल्टीप्लाई जीरो, तो ये वैल्यू आ गई थ्री। इसी तरह से आप सिमिलरली इवेल्युएट कर सकते हो एम सेकेंड रो के सभी माइनर्स, एम टू वन, एम टू वन में क्या करना है इसे लीव करना है, और आपके पास जो फर्स्ट वाली कॉलम बन रहा है उसे लीव करना है। तो आपके पास ये फोर एलिमेंट्स बचेंगे जीरो फोर वन टू, इवेल्युएट करेंगे जीरो माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस फोर, एम टू टू, टू टू आपके पास ये वाला एलिमेंट है, तो यहाँ से आपके पास इनको डिलीट कर देंगे, तो आपके पास वैल्यूज क्या बचेंगी वन फोर जीरो टू, वन फोर जीरो टू, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे टू माइनस जीरो, तो ये तो हो गया आपके पास टू। इसी तरह से एम टू थ्री, लास्ट वाला कॉलम और आपको डिलीट करना है, तो ये आपके पास बना वन जीरो जीरो वन, इवैल्यूएट करेंगे तो वैल्यू आई है वन। सिमिलरली हम थर्ड रो के माइनस भी निकाल सकते हैं, आपके पास ये वैल्यू जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं, तो जो मेरे पास कोफैक्टर्स होंगे, आपको पता ही है कि कोफैक्टर्स के लिए आपके पास पहले आएगा ए वन वन इज इक्वल टू होगा माइनस वन रेज टू पावर वन प्लस वन एम वन वन, एम वन वन की वैल्यू कितनी आई है इलेवन, और माइनस वन रेज टू पावर टू कितना हो जाएगा प्लस आ जाएगा, तो ये बना आपके पास इलेवन। ए वन टू क्या होगा माइनस वन रेज टू पावर वन प्लस टू एम वन टू, तो ये कितनी वैल्यू आएगी माइनस, और एम वन टू की वैल्यू कितनी आई है आपके पास सिक्स। ए वन थ्री माइनस वन रेज टू पावर वन प्लस थ्री फोर हो गया, और एम वन थ्री की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे एम वन थ्री, एम वन थ्री की वैल्यू थ्री, तो ये आपके पास बना प्लस का थ्री। इसी तरह से सिमिलरली हम सेकंड वाले भी निकाल लेते हैं, जो आपके पास सेकंड रो के बन रहे हैं ए टू वन माइनस वन रेज टू पावर टू प्लस वन एम टू वन, ये माइनस बनेगा और इसकी वैल्यू कितनी माइनस फोर, तो ये हो जाएगा प्लस का
फोर ए टू टू माइनस वन रेज टू पावर टू प्लस टू कितना आ गया फोर, तो ये एम टू टू, एम टू टू ये प्लस बना, एम टू टू की वैल्यू कितनी आ रही है टू, तो टू होगा। ए टू थ्री माइनस वन रेज टू पावर टू प्लस थ्री कितना बना फाइव, और माइनस वन रेज टू पावर ओड नंबर बन रहा है तो माइनस आएगा एम टू थ्री, तो ये वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी आपके पास माइनस वन। जो आपके पास थर्ड रो है ए थ्री वन इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू पावर थ्री प्लस वन इंटू एम थ्री वन, ये कितना बना फोर, प्लस का बन रहा है तो ये वाली कितनी वैल्यू आएगी आपके पास माइनस ट्वेंटी। ए थ्री टू माइनस वन रेज टू पावर टू प्लस थ्री एम थ्री टू, एम थ्री टू की वैल्यू कितनी बनी है माइनस, और ये भी माइनस हुआ तो ये प्लस का थर्टीन। ए थ्री थ्री इज इक्वल टू होगा माइनस वन रेज टू पावर थ्री प्लस थ्री कितना हो गया सिक्स, एम थ्री थ्री तो ये प्लस का आया तो ये वैल्यू बनी फाइव। आपको जस्ट जो आप को फैक्टर्स निकालने हैं उसके लिए आपको क्या करना है, जो माइनर निकाले हैं इसके सामने प्लस, इसके सामने माइनस, प्लस इसके सामने माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस और फिर प्लस, ये आपके पास क्या हो जाएंगे यहां से इसके को फैक्टर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें इवेल्युएट करना है कि अगर डेल्टा ये दे रखा है तो हमें इसके को फैक्टर्स इवेल्युएट करने हैं पहले सेकंड रो के, और फिर हमें इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करना है कि डिटरमिनेंट कितना बन रहा है। सेकंड रो क्लियरली मेरे पास ये है और इनके हमें निशान भी पता है कि मेरे पास निशान क्या क्या बनेंगे, पहले माइनस का फिर प्लस फिर माइनस का, तो निकाल लेते हैं। ये एलिमेंट होगा ए टू वन, तो क्या बनेगा माइनस वन रेज टू पावर टू प्लस वन, और जहां पे ये एलिमेंट लाई कर रहे हैं आपको ये वाली रो और आपको ये फर्स्ट कॉलम लीव कर देना है, तो इन एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे सेवन बना। इस तरह जब हमें इसका निकालना है ए टू टू का, तो आपको ये वाली रो और ये वाला कॉलम लीव कर देना है, तो ये एलिमेंट आपके पास बने, इनका डिटरमिनेंट निकालोगे सेवन आ गया, और लास्ट में आपको वन, ये आपके पास ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट करने के बाद ये एलिमेंट बनेंगे, इनको लिख के इनका वैल्यू इवेल्युएट कर लेनी है। इसके साथ क्लियरली क्या आएगा माइनस वन रेज टू पावर टू प्लस थ्री, ये आप यहां से देख सकते हो, इसके साथ क्या बनेगा माइनस प्लस माइनस, और उसके बाद हमें पता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है कि हमें सेकेंड रो से निकालना है, तो सेकेंड रो का जो एलिमेंट है ए टू वन उसके साथ उसका को फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, प्लस में सेकंड एलिमेंट इसका को फैक्टर, प्लस में थर्ड एलिमेंट और इसका को फैक्टर, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं टू, टू के साथ आएगा सेवन, प्लस जीरो, जीरो के साथ आएगा सेवन, फिर प्लस वन, वन के साथ आएगा माइनस सेवन। इवेल्युएट कर लेते हैं, जीरो के साथ तो किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आएगा, ये आपके पास वैल्यू आ गई सेवन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें इवेल्युएट करने कॉलम, थर्ड कॉलम आपके पास ये होता है, इस वाले कॉलम का यूज करते हुए हमें इन वैल्यूज को इवेल्युएट करना है कि इसके कोफैक्टर निकालते हैं, पहले इस एलिमेंट के कोफैक्टर निकालें, क्या है इसकी लोकेशन और क्या निशान बनेंगे इनके, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये क्या एलिमेंट होता है वन थ्री, तो माइनस वन रेज टू पावर कितना हो गया फोर, और जहां पे ये एलिमेंट लाई कर रहे हैं वही आपको रो लीव करनी है, वही कॉलम लीव करना है, तो ये आपके पास इसका डिटरमिनेंट होगा, ये इसके इक्वल आ रहा है। सेकंड एलिमेंट कितनी बन रही है इसकी पावर फाइव, तो माइनस साइन आएगा, तो यहां से आपको क्या करना है ये लीव करना है और ये वाला कॉलम लीव करना है वन एक्स वन जेड, इसको इवेल्युएट कर देना है। अब इसे निकालना है आपको, तो ये लीव होंगे वन एक्स वन वाई और ये थ्री थ्री है सिक्स बन रहा है, तो प्लस का निशान आएगा, और हमें पता है डिटरमिनेंट क्या होगा इस कॉलम के अकॉर्डिंग, इस कॉलम का ये एलिमेंट और इसका कोफैक्टर, प्लस ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर, प्लस दिस एलिमेंट और इसका कोफैक्टर, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं ए वन थ्री कितना है वाई जेड, इसके साथ ए वन थ्री रखेंगे जेड माइनस वाई प्लस अप टू सोन, इसे आप फर्दर सोल्व करोगे तो ये आपके पास इक्वल टू आ जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स के। जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है
कि इफ डेल्टा आपके पास इक्वल टू दे रखा डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ए आई जे, को फैक्टर डिनोट कर रहे हैं एलिमेंट्स के ए आई जे के, तो इसकी वैल्यू क्या होगी देख लेते हैं। वन वन के साथ क्या आना चाहिए था, वन वन आना चाहिए था, तो ये तो गलत है। यहां देखते हैं वन वन के साथ वन वन, वन टू के साथ भी वन टू आना चाहिए था, तो ये भी आपके पास गलत है। टू वन के साथ टू वन आना चाहिए था, यानी वही एलिमेंट उसी का कोफैक्टर होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं ये क्या, वन वन के साथ वन वन, टू वन के साथ टू वन, और थ्री वन के साथ थ्री वन, तो आपके पास ये सही होगा। ये देखना है कि सेम रो होनी चाहिए या सेम कॉलम होना चाहिए, तो यहाँ से आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास फर्स्ट कॉलम्स के एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कहीं गलती से ऐसा ना दे दिया गया हो कि वो कोई भी थ्री आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स उठा के दे दे और उनके साथ वही कोफैक्टर लिखे हुए हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि या तो सेम रो होनी चाहिए या फिर सेम कॉलम होना चाहिए। इस केस में क्या है, ये आपके पास फर्स्ट कॉलम है कि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स का उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।